लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज लाइव। आईएमएफ ने इस बार दूसरी बार इस साल के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी ग्रोथ को घटा दिया है, 7.4 से घटाकर 6.8% पे ले आए हैं, मतलब 0.6% की कटौती। आईएमएफ ने दूसरी बार किया है, वर्ल्ड बैंक ने चार बार किया है, आरबीआई ने तीन बार किया है, फिच ने किया है, मूडीज ने किया है, एडीबी ने किया, अंगटाइड ने किया, तमामों ऐसी एजेंसीज हैं जिन्होंने भारत की जीडीपी ग्रोथ को घटाने का काम किया है अनुमानित। अब इसके क्या मायने हैं? इसका मायना है कि बेरोजगारी बढ़ेगी, निवेश कम होगा, लोगों की आय कम होगी, गुर्बत बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, और उस पर से छौंका लगाया हुआ है सरकार ने बड़े कमर तोड़ महंगाई का। लेकिन सरकार के प्रवक्ताओं की, सरकार के नुमाइंदों की तो सुनिए तो वो बिना पलक झपकाए कहते हैं कि जी हम तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इससे ज्यादा भ्रमित करने वाली बात दूसरी कोई नहीं है। आप $3 trillion की इकोनॉमी 6% पे ग्रो करेंगे, चीन $18 trillion की इकोनॉमी 4.5% पे ग्रो करेगा और अमेरिका $21 trillion की इकोनॉमी 1% पे ग्रोथ करेगा, तो अनुमान लगा लीजिए किसकी ग्रोथ ज्यादा होगी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात हो गई कि सरकार के सामने समस्याएं क्या हैं। सबसे बड़ी समस्या यह कि सरकार ने आंखों पर पट्टी बांध ली और सरकार डिनायल में है। दूसरी समस्या है गिरती हुई ग्रोथ। तीसरी समस्या है कमर तोड़ महंगाई। आज भी अगर सरकार चाहे तो पेट्रोल डीजल के दाम घटा दे, सेस खत्म कर दे। चौथी समस्या है टूटता हुआ रुपया, सरकार को कोई चिंता ही नहीं है अब। और पांचवी समस्या है करंट अकाउंट डेफिसिट, जो लगभग 3.4% इस साल का हो सकता है। सबसे बड़ी बात लेकिन इसमें यह, सरकार कहती है जी हम क्या करें, यह सब तो वैश्विक कारणों से हो रहा है। तो अगर वैश्विक कारण ही थे तो 2013 में क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते, या 2008 में हम हाथ खड़े कर चुके होते। आपका काम है वैश्विक कारण और घरेलू समस्याओं का समाधान करिए और रुपए को मजबूत करिए, महंगाई को कम करिए, अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाइए, उसको छोड़कर बाकी सारे काम करेंगे। वित्त मंत्री तो सफेद सपाट झूठ बोलती है। अमेरिका में जाकर उन्होंने आज बोल दिया हमने तो जी खाद के दाम बढ़ाए नहीं है, डीएपी का दाम 1200 से 1300 हुआ है, यूरिया की बोरी 50 किलो की घटकर 45 की हो गई है। तो इस तरह के झूठ बोलकर अर्थव्यवस्था नहीं संभल सकती है, थोड़ा दिमाग लगाइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज लाइव मुंबई।